हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है सुबह से। स्टार्टिंग से ही मैंने सुबह उठते ही आज का वीडियो ना शुरू कर दिया था। और सच में आज का पूरा दिन मेरा इतना बेकार काला गया ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और कल रात को हो गया था बहुत ज़्यादा फीवर। अचानक से ना मेरा बहुत ज़्यादा फीवर आ गया रात को, और फिर दवाई ली थी और सुबह को ठीक था, लेकिन बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। फीवर तो नहीं था, फिर भी वीकनेस महसूस जो है वो हो रही थी। लेकिन हाउस वाइफ का तो ऐसा ही होता है, जब तक पूरे घर की सफाई ना होए वो खुद को ही तसल्ली नहीं होती है। तो बस फिर मैं सुबह उठते ही मैंने झाड़ू जो है वो ले लिया था और सोचा है कि वीडियो मैंने ना अब रोज़ बनाना है, कुछ ना कुछ शूट करती रहूँगी। और देखिए ये किट्टू ना कोई भी काम मेरे को अच्छे से करने नहीं देता है, और आप खुद ही देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जी, घर की सफाई अब मेरी हो गई और अब मैं जा रही हूँ किट्टू के लिए ब्रेकफास्ट लाने, है ना। एप्पल तो ये खा बैठा, आज एप्पल खा बैठा है पहले, और पीछे है उस पार्थ। जा तू लेके आ इसके लिए, मुझे ही जाना पड़ेगा। चलो जा। और बेटा थक गया था क्योंकि ये साथ में मेरे ना सफाई करने में हेल्प कर रहा था। पोचा इसी नहीं लगाया है। और मैं गई थी किट्टू के लिए ब्रेकफास्ट लाने। पहले किट्टू का ब्रेकफास्ट मैंने यहाँ से लेके आना है, जैसे भिंडी वगैरह ये खाता है, मिर्ची खाता है। और फिर उसके बाद अपना सिंपल हमने चाय और ब्रेड ही बनाया था। और आज ना मौसम एकदम से क्लियर है। अंदर खाएंगे, अंदर, यहाँ पे नहीं। मिर्ची भी निकाल लेते हैं ना अभी, और यहाँ से निकालेंगे किट्टू की मिर्ची। भिंडी खाएगा, भिंडी खाएगा। और आज फिर मुझे ना मार्केट भी जाना पड़ेगा क्योंकि मार्केट से मुझे लेके आने हैं बेटे के लिए कपड़े। तो देखती हूँ अब तैयार होके अब जाऊंगी फिर मार्केट में, पहले किट्टू का नाश्ता करवा। यहाँ पे ना हवा अच्छी आ रही है, ठंडी ठंडी, और आम की छाया है तो इधर ना बिल्कुल ठंडा ठंडा होता है। हवा भी अच्छी आती रहती है क्योंकि यहाँ पे खुले प्लॉट है ना सामने, इसलिए। और इसको रोज़ सुबह सुबह भिंडी, मिर्ची, एलोवेरा, एप्पल, ये सब चाहिए होता है। एप्पल तो ये खा बैठा है, वो मैंने ले के रखे थे और ये खुद ही जाके वहाँ पर पन्नी में छेद डाला और उसी में ही खा लिया। मिर्ची रखी है ना, हाँ हाँ। अब चलते हैं हम अंदर। और ये देखिए नारंगी में ना, इसमें नारंगी लगते भी रहते हैं और फ्लावरिंग भी साथ साथ में होती रहती है। इस पौधे का मुझे समझ नहीं आता, एक जैसे फ्लावर आ जाते हैं फिर लगते हैं, लेकिन इसका ऐसा नहीं होता है। इसमें फ्लावरिंग कभी भी हो जाती है और कभी भी कॉम्प्ले आ जाती है, तो इसी तरह का है। देखिए लगे हैं अमरूद, आओ नीचे आओ। हाँ ठीक है, हाँ। तो मैं भूमि करने नहीं जाऊं क्या? इधर आओ, वहां पे रुको, अभी आ जाएगी मम्मा थोड़ी देर में, आ जाओ। लो जी, अभी मुझे कुछ सामान लेने जाना था मार्केट, लेकिन ये मुझे जाने नहीं दे रहा है। क्यों? अभी आ जाऊंगी मैं थोड़ी देर में, इधर आओ, वहां बैठो ना आप, आ जाओ। तो अब भाई इसको पता चल गया तो अभी मेरे को छोड़ नहीं रहा है। मम्मा ना मार्केट जा रही है, थोड़ा सा सामान लेके आएगी, ठीक है? तो मैं नहीं जाऊं, अभी आ जाऊंगी थोड़ी देर में, आ जाऊंगी, ठीक है? आप यहाँ पे रुको, रुको आप वहां पे, मेरे बच्चे। अच्छा ठीक है, मशके मत मारो अभी, आप चलो उधर बैठो। लो जी, अब कैसे जाऊं? ये तो मेरे को जाने देगा नहीं, इसको ना कुछ लालच देना पड़ेगा, अंदर से उसको कुछ खाने के लिए लाना पड़ेगा, तब ये जाने देगा, अदरवाइज ये मेरे को जाने नहीं देगा। किट्टू के लिए ना चीजी लेके आएगी, आओ इधर आओ, इधर आओ। ये नहीं मानेगा अब मैं इसको लालच देती हूँ, फिर जाके ये मानेगा, है ना? तो
नहीं जाऊं मैं तेरे पास ही रहूं। हेलो तो कर दो। हेलो दोस्तों, बोलो तो बोलो। जैसे ही मैंने दुपट्टा लिया, बाल बनाए, इसको पता चल जाता है कि मैं ना कहीं जा रही हूँ घूमने, और ये ना फिर ऊपर से चढ़ जाएगा, फिर उतरने का नाम नहीं लेता है। और अब मैं आ गई हूँ मार्केट में, और मैंने ना अपना पूरा सामान भी ले लिया है। और जब भी मार्केट आती हूँ तो बेटा ना समोसे ज़रूर मेरे से मंगवाता है, तो उसके लिए मैंने यहाँ से लिए समोसे। और सारी शॉपिंग जो है वो बेटे की ही हुई है, और किट्टू का भी दाना जो है वो ख़त्म हो गया था। तो देखिए अब मैं पहुँच गई हूँ, वापस जा रही हूँ, यहाँ से मुझे अब लेना है ऑटो। और बस अब यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके मेरे को ऑटो मिलेगा। और सच में जब हस्बैंड नहीं होते हैं ना तो फिर बड़ा दिक्कत होती है मुझे, बाहर से कुछ सामान लेना होता है तो बस पैदल फिर जाना पड़ता है, फिर ऑटो, ऑटो भी फिर आगे पैदल जाना पड़ता है, फिर वैसे ही होता है। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ घर। और कल की वीडियो ना मैं बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आए हैं, सच में इतनी जो मेहनत करके वीडियो बनाते हैं ना उनको कोई पसंद नहीं करता है, और जो फिल्म स्टार और टीवी स्टार है जो पहले से पॉपुलर होते हैं ना उनको हर कोई जो है वो अप्रिशिएट करते हैं, उनका हर कोई फ़ैन होता है, उनको सब लोग पसंद करते हैं, लेकिन सिंपल इंसान को जो मेहनत कर रहा होता है ना उसको कोई आगे लेके नहीं जाता है। बस यही है कि जज करेंगे कि कैसे है क्या है। और YouTube हर बंदा देखता है, लेकिन अगर YouTube में हम लोग सिंपल अपनी लाइफ दिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वीडियो डाल रहे हैं, तो वो लोगों को गलत लगता है। वीडियो देखना, यूट्यूब देखना सही बात है, और वीडियो उसमें डालना गलत बात है। अगर सिंपल इंसान कोई डालता है तो वो गलत बात है। और आज मैं ना ये शॉपिंग करके लेके आई हूँ, बेटे की ही ज़्यादातर शॉपिंग है। शर्ट्स उसके दो लेके आई थी, और उसको ना चप्पल चाहिए होती है। बेटे की मेरी ये ना पसंद थोड़ा से डिफरेंट है, पर मैं जैसे मुझे पता होता है कि उसको किस टाइप की पसंद जो है आएगी, तो देखिए ये वाली लेके आई थी मैं, और उसको ना बहुत ज़्यादा पसंद भी आई थी। और साथ में मुझे कुछ लाइनिंग का कपड़ा लेके आना था अपनी स्टिचिंग के लिए, चैनल के लिए। और मेरा इंची टेप ना किट्टू खा गया था पूरा ही, एक तो नया इंची टेप मैं लेके आई थी, और एक लेस वाला वीडियो तो मैं डाल भी चुकी हूँ। और मेरे आते ही बेटा ने मैगी बना के रखी थी, तो बस वही आते ही मुझे मैगी मिल गई। वैसे मुझे पसंद नहीं है, लेकिन चलिए मैं मार्केट चली गई थी ना तो बेटे ने जो है ये खाने के लिए बना दी थी। और ये देखिए ये तो ना इसको कुछ भी अगर हमें खाना होता है वो सबसे पहले ये अटैक करता है, वैसे इसको मैंने फिर हटा दिया था। तो आज की वीडियो का एंड भी अब मैं यहीं पे करूँगी, निराश बेशक हो जाती हूँ लेकिन वीडियो डालना मैं नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी, कभी ना कभी तो सफलता मिलेगी ही। तो ठीक है जी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।